सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग फाइट करने वाले हैं एक स्पेशल ट्रेनर से जो कि आया है माउंट एपोप्सिस में, और इसके पास लैंड टाइप ब्लू मॉन्स्टर्स हैं जिसके लिए हमें यूज करना होगा सेंटा डियर का। इससे 50 चार्ज आता है और हम लोग अभी करेंगे ग्रो अप। अब आइस बीम करना चाहिए हमें क्योंकि इसने शील्ड कर लिया है। एक बार ग्रो अप शायद इसके लिए काफ़ी होगा। इससे भी ग्रो अप आता है, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई थोड़ी, तो हमें भी ग्रो अप करना चाहिए। ये भी ग्रो अप कर रहा है, मैं भी ग्रो अप कर रहा हूँ, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके भी बफ्स बढ़ रहे हैं, मेरे भी अटैक डिफेंस बढ़ रहे हैं। और ये स्पार्क कैनन भी कर रहा है, स्पार्क कैनन ओके, चलो अच्छी बात है। स्पार्क कैनन क्योंकि इलेक्ट्रिक कट भी दे देता है जिससे डैमेज मिलता है हमें। चलो इसका इन्फर्नो भी मिस हो गया। अब इसके बाद ये शील्ड ना करे बस। स्पार्क कैनन कर सकते हो, शील्ड मत करना। ओके, अब 50 चार्ज और ये ख़त्म। इसे भी 50 चार्ज करते हैं। ये थोड़ा मोटी चमड़ी का है, एक्वायरिंग भी कर रहा है। इसके सामने ग्रो अप करने की ज़रूरत है। इसका स्टोन एज भी मिस हो गया वैसे। 40% अटैक एंड डिफेंस बफ हो चुका है मेरा। ये लास्ट था ग्रो अप, अब इसके बाद हम सिर्फ अटैक करेंगे। जब तक हमें एचपी बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े ग्रो अप यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब तो तू जाने ही वाला है भाई। ये तो अब हार ही जाएगा, एक्वायरिंग करके इसका कुछ फ़ायदा है नहीं वैसे। ओके, इसके टोटल 3 मॉन्स्टर्स हमने हरा दिए हैं, बाकी बचे कुछ 3 मॉन्स्टर्स बचे हैं, इससे भी हरा ही देंगे। टेरोरिया, चलो अच्छा हुआ मैंने सेंटा डियर का यूज़ किया, वरना मुझे अलग से एक आइस टाइप ब्लू मॉन्स्टर लाना यूज़ करना पड़ता, अभी चेंज करना पड़ता। चारमेंडर, ये भी वैसे बहुत अच्छा ब्लू मॉन्स्टर है गाइस, चारमेंडर। स्पेशल रैंड, ये कौन सा अटैक है? वैसे इजिली हरा ही देंगे हम इसे। गाया हाउंड, ये थोड़ा दिमाग खराब कर सकता है, 136 लेवल का भी है। 5 एचपी इसने जस्ट खर्च किया। ओ, हैवी पंच से इसका चक्कर भी आने लगता है। बार बार ये हैवी पंच ही करेगा शायद से। मैं करूँ तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। पोशंस मेरे फालतू के बस ऐसे ही जाते रहेंगे, बट इसे हराना है तो हराना है। इसे हराना है तो हराना है, अब चाहे जो हो जाए। बार बार ये हैवी पंच क्यों कर रहा है? फिर से हैवी पंच, नहीं चलो इस बार चक्कर नहीं आया। बार बार हैवी पंच इसको करके मिलता क्या है? चलो इस बार भी चक्कर नहीं आया, अच्छी बात है। और इस बार भी ये हैवी पंच ना करे, कर रहा है, चक्कर ना आए बस ये ख़त्म हो जाएगा, चक्कर नहीं आए, चलो अच्छी बात है। क्योंकि हैवी पंच से बहुत ज़्यादा चक्कर आता है और मेरे पोशंस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते। और अब आया है वॉल्केरियन, इसे भी हरा ही देंगे। डिवाइन फ्लेम,
मेरा सेंटा डियर गया अगर ये अटैक इसे लगता है तो। ओ बच गया पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। ओह मेरा सेंटा डियर यहाँ पे हो चुका है फेंट, और मैंने फियोनिक्स को गलती से यूज़ कर दिया, मुझे इसका यूज़ नहीं करना था। फिर से डिवाइन फ्लेम, इस बार भी हार जाएगा सेंटा डियर। ओके अब शायद से हम हरा सकते हैं इसे वॉल्केरियन को। नहीं अभी भी नहीं, पोशन बस ये यूज ना करें, और इसका डिवाइन फ्लेम मिस हो जाएगा तो अच्छी बात है। प्राइसन बर्गर को भी वैसे आइस भी मारती है। इस बार ये खत्म हो जाए। ओके नाइस, तो फाइनली गाइस हमने इस ट्रेनर को हरा दिया। उतना टफ भी नहीं था, लेकिन इजी भी नहीं कह सकते, टफ तो था थोड़ा बहुत। और हमें मिले 2 पीपी लकी डॉट टिकट्स, आइटम डॉट टिकट्स मिले। इतने हार्ड ट्रेनर को हराने के बाद मुझे सिर्फ 2 आइटम डॉट टिकट्स मिले, खैर कोई बात नहीं। तो गाइज ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।